का मुद्दा कहा था। देखिए बिल्डिंग जो है पहले ये था कि 15 मीटर तक आपको मीटर मिलेगा, फिर उसके बाद हमने 17.5 मीटर कर दिया। जो दिल्ली में कानून है बिल्डिंग बाय लॉज के हिसाब से 17.5 मीटर है कि अगर स्टिल पार्किंग है तो 17.5 मीटर से ज्यादा ऊंची आप बिल्डिंग नहीं बना सकते, वहां जहां नक्शा पास होता हो। नशा कोई यहाँ पर इसमें चरस या अफीम नहीं बिकती। यहाँ पर मेडिकल स्टोरों पे इंजेक्शन बेचे जाते हैं, कुछ दवाइयाँ बेची जाती हैं, कुछ टेबलेट बेची जाती हैं। तो हम निशानदेही कर रहे हैं, कुछ सख्ती भी की है पीछे में और अब में कुछ फर्क नजर आया होगा। अब ये है कि सख्ती और ज्यादा बीत के बाद मार्केट बंद होने में, चाय की दुकानें बंद होने में, और ये जो मेडिकल स्टोर है, जो इस तरह के मेडिकल स्टोर है जो नशा बेच रहे हैं या टेबलेट बेच रहे हैं या पान वाले बेच रहे हैं, उन पर सख्ती से काम होगा, उन पर अमल होगा। आप लोगों को वो साथ चाहिए, अगर किसी के साथ पुलिस सही सख्ती करती है, वो गलत काम कर रहा है, तो उसके सपोर्ट में आने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके खिलाफ तो कार्रवाई आप लोग खुद कराए खड़े होकर के, ये आदमी गलत काम कर रहा है। सख्ती कैंप भी हम लोग बहुत जल्द लगाएंगे। ये डॉक्टर हैं जो कई डॉक्टर हैं जो एक या दो खुराक के बाद जो खानपुर के अंदर रहते हैं, वो डॉक्टर एक या दो खुराक अगर किसी नशे वाले को दे दें, चाहे वो सिगरेट वाला हो, शराब वाला हो, अगर वो एक या दो खुराक खा ले तो वो नशा पूरी तरह से छोड़ देता है। तो मैं कैंप भी लगाऊंगा, यहाँ से लेकर के शाहीनबाग तक आप जितने बनाने हैं बना लो, पैसे मैं दे दूंगा आपके ऊपर है जी। और ये गेट का भी आप काम कर लीजिए, मुझे तो आप बता देने की कितना खर्चा आ रहा है वो मैं आपको दे दूंगा। और जो हमारे भाई ने भी बताया मीटर को लेकर, मैं आपकी नॉलेज में जानना जरूरी है कि ओखला के काफी लोग, सबसे ज्यादा अगर हमारी पुरानी दिल्ली जहां तक मैं बहुत ताल्लुक रखता हूँ, ओखला के लोग सबसे ज्यादा इस चीज से जूझ रहे हैं कि 5 मीटर और जो 15 मीटर से ऊपर की हाइट की जो बिल्डिंग है जाने से। तो अभी तक पिछले 5-6 साल से एक मीटिंग थी मगर वो ऑर्गेनाइज नहीं हो पाती थी। जो डिस्कॉम होते हैं, जो टाटा पावर्स हैं, BSES है और यमुना पावर्स है, ये तीनों लोगों के साथ MCD के कमिश्नर की 10 जून को एक मीटिंग मैंने रखवाई, जिस मीटिंग में मैं नहीं था मगर मैंने ऑर्गेनाइज मैंने कराई। जो BSES की जो मीटिंग हुई उन विभाग के साथ MCD कमिश्नर्स के साथ, जिसके अंदर दो इश्यूज थे, तीन इश्यूज होते हैं कि जब इंसान कोई अपना मीटर अप्लाई करता है तो तीन इश्यूज आते हैं कि पहला कि बिल्डर अपनी बिल्डिंग बना के चले जाता है और फिर जिसको वो फ्लैट बेचते हैं तो वो सबसे बड़ा इश्यू आता है 15 मीटर से ऊपर की हाइट होती है और MCD उसको अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के अंदर बुक करती है। जब MCD उसको बुक कर जाती है तो उसके बाद वो मीटर नहीं लग पाता और कई सालों तक बेचारे वो या तो किसी से सब मीटर लेकर बिजली चलाते हैं या किसी मजबूरी के कारण वो दूसरी तरीके से बिजली चलाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को तीसरा इशू याद आता था कि हाइट होती थी 15 मीटर 17 मीटर से ऊपर की बिल्डिंगें बनती थी उस पर नहीं लगता, और तीसरा होता था ड्यूज बहुत होता था उसमें, कोई पुराना ड्यूज है उसके घर खानदान का ड्यूज है या जिससे फ्लैट खरीदा था उनका ड्यूज होता था। ड्यूज वाले इश्यूज को हटा दीजिए मगर ये बहुत टफ है, पूरी दिल्ली के लिए मसला है मगर खास तौर पर जो हमारी घनी आबादी वाला इलाका है, जमुना पार की बात करूं, जमुना पार में इतनी बड़ी बिल्डिंगें नहीं बन पाती हैं मगर हमारी पुरानी दिल्ली में और ओखला के अंदर ये सबसे बड़ा अहम इशू है। और हफ्ते के अंदर अगर मैं देखूं तो मेरे पास 50-60 लोग पूरे हफ्ते के अंदर ऐसे ओखला के मेरे MCD हेडक्वार्टर में आते हैं जिनका सिर्फ मीटर का इशू होता है। मगर मैं आज मुश्किल है, आसान भी नहीं है और मुश्किल भी नहीं है, इंशाल्लाह इस चीज से अल्लाह ने चाह इसी साल के अंदर कोई राहत मिल जाएगी, जो अनऑथराइज बुक हुई हुई बिल्डिंग है वहां पर भी मीटर लगने शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। इस चीज का मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ।